प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हनुवंतिया में शुक्रवार को मोटर बोट एवं क्रूज को हरी झंडी दिखाकर चतुर्थ जल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 72 करोड़ रुपए की लागत के 35 कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साथ ही पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि भी है। पर्यटन जैसी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आता है। अतः आर्थिक गतिविधियों का प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, पूर्व सांसद अरुण यादव, पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक संचालक फेज अहमद किदवई, संभागायुक्त इंदौर संभाग आकाश त्रिपाठी, विधायक मधांता नारायण पटेल, विधायक सुरेंद्र सिंह, विधायक सचिन बिड़ला, विधायक रवि जोशी, विधायक सुमित्रा काजडेकर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओंकार पटेल एवं इंदर सिंह पवार, कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल सहित विभिन्न अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश विविधताओं से भरा है, यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। हनुवंतिया जैसे अन्य पर्यटन स्थल प्रदेश में और विकसित किए जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जरूरी है कि उनकी क्रय शक्ति बढ़ाई जाए। इसके लिए किसानों का कर्ज माफ किया गया है। पहले चरण में 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। दूसरे चरण में चालू खाते वाले किसानों के ऋण माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वचनबद्ध है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य दिलाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मांडू, मोहनखेड़ा एवं सिंगाजी को मिलाकर एक टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। मांडू में आदिवासियों के घर पर्यटकों को रुकने की सुविधा देने की शुरुआत हाल ही में की गई है, जिससे पर्यटक आदिवासी संस्कृति तथा आदिवासियों की परंपरा व उनके व्यंजन के बारे में जान सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन व ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री बघेल ने कहा कि हनुवंतिया में पर्यटन स्थल विकसित होने से इस क्षेत्र के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला है। अगले एक माह तक जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा किसानों के खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों उज्जैन में महाकालेश्वर विकास योजना पर 300 करोड़ रुपए तथा ओमकारेश्वर विकास योजना के लिए 156 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। प्रभारी मंत्री सिलावट ने ओमकारेश्वर विकास योजना के लिए 156 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि खंडवा जिले के 46,000 किसानों को 128 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने माफ कर दिया है। दूसरे चरण में जिले के 9,278 किसानों का 66 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। पूर्व सांसद अरुण यादव ने इस अवसर पर कहा कि इंदिरा सागर के बैक वाटर में हनुवंतिया जैसे अन्य पर्यटन स्थल विकसित होने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में और पर्यटन स्थल विकसित करने की कार्य योजना बनाई जाए। क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ से अनुरोध किया कि मधांता क्षेत्र में और अधिक विकास कार्य स्वीकृत किए जाएं। उन्होंने संत सिंगाजी की समाधि को भी पर्यटन स्थल का दर्जा देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यक्रम में पहला कदम कार्यक्रम के तहत टैबलेट वितरण किए। इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने कहा कि पहला कदम कार्यक्रम के तहत जिले के पुनासा और किलोद विकासखंडों की 319 आंगनबाड़ी केंद्रों में टैबलेट के द्वारा बच्चों को डिजिटल लर्निंग के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए NHDC के द्वारा जिला प्रशासन खंडवा को अपने CSR मद से राशि उपलब्ध कराई है। इस नई सुविधा से दोनों विकास खंडों के आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज कुल 11,803 बच्चे लाभान्वित होंगे। इस नवाचार से जहां बच्चे अक्षरों को, आकारों को मनोरंजन के माध्यम से समझ सकेंगे, साथ ही उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कौशल विकास, भावनात्मक सामाजिक विकास भी हो सकेगा। बच्चों को टैबलेट के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पूर्व प्राथमिक की नर्सरी शिक्षा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि अगले एक माह तक जारी रहने वाला जल महोत्सव का चतुर्थ संस्करण पहले से अधिक व्यापक स्वरूप में आयोजित हो रहा है। एक माह तक चलने वाले इस आयोजन में पर्यटकों के लिए 104 लग्जरी टेंट सिटी का अस्थायी निर्माण किया गया है। इस दौरान हनुवंतिया में साहसिक व रोमांचकारी गतिविधियां आयोजित होंगी। ये रोमांचकारी खेल जल, थल व आकाश में संपन्न होंगे।
जल महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्या, आइलैंड ट्रैकिंग व कैंपिंग विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हनुवंतिया में उन्मुक्त हवा व अर्थाजल राशि की लहरें साहसिक खेलों के प्रति सभी को प्रेरित करती है। हनुवंतिया में आयोजित होने वाली जल आधारित गतिविधियों में पैरासेलिंग, वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड, वाटर जॉबरिंग शामिल है। वायु आधारित गतिविधियों में हॉट एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग, पैरासेलिंग, भूमि की गतिविधियों में पतंगबाजी, वॉलीबॉल, रस्साकशी, साइकिल टूर, बैलगाड़ी दौड़ जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसी तरह आइलैंड की गतिविधियों में बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, ट्रेजर हंट, कैंपिंग, कैंप फायर शामिल है। शुभारंभ के दिन और प्रत्येक सप्ताह के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे। हनुवंतिया में जल महोत्सव के दौरान क्राफ्ट बाजार व फूड जोन भी स्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि इंदिरा सागर बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। इस स्थल पर नर्मदा नदी पर बांध के बैकवाटर में बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से उभर कर टापू निर्मित हुए हैं। टापुओं की इस श्रृंखला की शुरुआत इनके प्रवेश द्वार मूंदी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुवंतिया से होती है। ये पूरा क्षेत्र नर्मदा नदी के बैकवाटर से भरा हुआ है। आसपास के वन्य क्षेत्र, वन्य प्राणी और रंग बिरंगे पक्षियों का विचरण और कोलाहल इस स्थल की रमणीयता को और अधिक बढ़ावा देता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को हनुवंतिया में चतुर्थ जल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से 35 कार्यों का शुभारंभ किया, जिनमें 20 कार्यों का लोकार्पण एवं 15 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ पर्यटन एवं नर्मदा विकास घाटी विभाग के मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल के साथ पूर्व सांसद अरुण यादव तथा मधानता विधायक नारायण पटेल भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से नगर पंचायत हरसूद द्वारा शहरी क्षेत्र हरसूद अंतर्गत NHDC द्वारा निर्मित मार्गों की लंबाई 67.363 किलोमीटर का मजबूतीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने लगभग 3.69 करोड़ रुपए की लागत का अटूट भिकारी से जावर मार्ग का निर्माण कार्य किया। लगभग 5.37 करोड़ रुपए का पंधाना में नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य, लगभग 3.43 करोड़ रुपए की लागत की खंडवा जिला मुख्यालय पर 2000 EVM एवं VVPAT हेतु गोडाउन का निर्माण कार्य, लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से कोलगांव के कवेश्वर मार्ग निर्माण कार्य और लगभग 2.13 करोड़ रुपए की लागत की देवला से टिटगांव मार्ग का निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसी प्रकार लगभग 1.60 करोड़ रुपए की लागत के मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण बरूड विकासखंड छेगांव माखन का कार्य का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही लगभग 1-1 करोड़ रुपए की लागत के कुल 7 स्कूल भवनों का लोकार्पण भी इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया, जिनमें ग्राम पिपलिया फूल में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य, ग्राम बिलनखेड़ा में हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य, ग्राम उमरदा में हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जसवाड़ी बागरंदा गोल एवं रांझनी शामिल है। उन्होंने लगभग 73 लाख रुपए की लागत से मूंदी में उपतहसील भवन एवं एक नगजी व एक नग एच टाइप आवास गृह निर्माण कार्य, 50 लाख रुपए का उत्कृष्ट विद्यालय परिसर खंडवा में जिला लाइब्रेरी भवन का निर्माण का लोकार्पण किया। उन्होंने खंडवा में जिला ई लाइब्रेरी भवन के निर्माण का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इसके अलावा 1.60 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निर्माण बरूड़ का लोकार्पण किया। इसी प्रकार लगभग 27.62 लाख रुपए की लागत से ग्राम देशगांव रोशनी व खुटला कला में गौशाला निर्माण कार्य का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हरसूद में 5.79 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बालिका छात्रावास का भूमि पूजन का शुभारंभ किया। उन्होंने सेलदामाल हरसूद मॉडल हाई स्कूल हरसूद व मॉडल में व माडला में 1-1 करोड़ रुपए की लागत से हाई स्कूल भवनों, हरसूद सिंगोट व पटाजन में 1.37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्रावास भवनों का भूमि पूजन किया। हरसूद में 1.40 करोड़ रुपए की लागत से न्याय विभाग ने 2E टाइप आवास गृहों तथा हरसूद में 47 लाख रुपए की लागत से मेडिएशन सेंटर का भूमि पूजन भी इस दौरान किया। इसके अलावा SN कॉलेज खंडवा में 1.60 करोड़ रुपए की लागत से जिम तथा 6.91 करोड़ की लागत से 100 सीटर बालक बालिका छात्रावास तथा जामनी गुर्जर में 2.20 करोड़ रुपए की लागत के कन्या छात्रावास का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस दौरान किया। जल महोत्सव में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों से तमन्ना थी कि इस क्षेत्र का दौरा करा जाए और ये एक बहाना मुझे मिला जल महोत्सव का उद्घाटन करने में। इसका क्या मायने है? महाउत्सव हम मना रहे हैं, जल महोत्सव मना रहे हैं, ये कैंप लगे हैं, ये पर्यटक
कि हम विभिन्न साधन और योजनाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसका क्या मायने है? इसका मायने बहुत सरल है कि हमारा क्या लक्ष्य है पूरे मध्य प्रदेश का। हम रोजगार की बात करें, हम कृषि क्षेत्र की बात करें, हम पर्यटक की बात करें, पर सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा मध्य प्रदेश में है कि हम आर्थिक गतिविधि कैसे मध्य प्रदेश में बढ़ाएं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।